बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्टडी का स्ट्रेस लेते हैं और उसकी वजह से उनको सरदर्द रहती है और गाहे बगाहे सरदर्द रहती है, तो आज मैं उस सरदर्द के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। मैं हूँ डॉक्टर नसीम इकबाल घुमन और आप देख रहे हैं डॉक्टर नसीम और डॉक्टर अक्सा होम्योपैथी। व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लेट आवर्स तक पढ़ते हैं, दिन में 12-13 घंटे पढ़ते हैं, वो स्टडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके ऊपर स्टडी का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, स्पेशली टीचर्स की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, या उनका कंपटीशन फैमिली के अंदर चल रहा होता है हाई ग्रेड्स के लिए, तो व्यूअर्स उनको अक्सर सरदर्द का सामना करना पड़ता है। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स के अंदर जो सरदर्द हो सकती है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और अक्सर स्टूडेंट जो है जब भी सरदर्द होती है तो वो उसके लिए पेन किलर ले लेते हैं, तो वक्ती तौर पर तो सरदर्द ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा पेन का एपिसोड और सरदर्द जो है वो दोबारा शिद्दत के साथ वापस आती है। तो फिर स्टूडेंट्स के अंदर जो है सबसे पहले देखते हैं कि वो टाइप्स कौन सी हो सकती हैं हेडेक की या सरदर्द की। तो वो व्यूअर्स, पहली जो टाइप है वो टेंशन टाइप हेडेक है, और ये ऐसी सरदर्द है जो फोरहेड के ऊपर फील होती है, या साइड्स पर, सर के साइड्स पर फील होती है, और सर में दुखन के साथ खिंचाव फील होता है। सेकंड टाइप ऑफ हेडेक जो है या सरदर्द स्टूडेंट्स में जो फील करते हैं वो ब्रस्टिंग हेडेक है, शदीद सरदर्द, और उसके साथ ऐसे फील होता है कि जैसे सर फट जाएगा, और ये फटने वाली सरदर्द होती है। थर्ड जो हेडेक है स्टूडेंट्स के अंदर व्यूअर्स, वो है पल्सेटिंग या थ्रोबिंग हेडेक, जिसमें ऐसा फील होता है कि उनको शदीद सरदर्द होता है, लेकिन ऐसा फील होता है कि उनकी ये कैरोटिड जो हैं ये पल्सेट कर रही हैं या थ्रोब कर रही हैं या इनके अंदर तपकन हो रही है। व्यूअर्स, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? पहला काज तो मैंने आपको बता दिया कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टडी का स्ट्रेस लेते हैं या बहुत देर तक पढ़ते हैं और लंबे अरसे तक पढ़ते रहते हैं और बीच में रिलैक्स भी नहीं लेते, लेकिन व्यूअर्स स्टूडेंट्स के अंदर सरदर्द की एक बड़ी वजह इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। जी हाँ, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि अगर उनकी फैमिली के अंदर जो है उनके पेरेंट्स के दरमियान में अनबन है, या वो स्टडी कर रहे हैं और उसके साथ ही उनके ऊपर जो है पेरेंट्स जो हैं वो उनको बाज़ा उनको प्रेशराइज करते हैं कि भाई वो अर्न करें, और इस चीज़ का भी उनके ऊपर प्रेशर होता है, स्कूल की एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रही होती, या उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा होता है, या उनके अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ वो जो है वो रिलेशन ठीक नहीं होता, या फिर उनकी अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ जो है वो अनबन हो गई है, ब्रेकअप हो गई है, और वो बहुत लंबे अरसे से उसका दोस्त था, तो फिर भी उस स्ट्रेस की वजह से वो क्रॉनिक हेडेक का शिकार हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, दो मेडिसन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसन हैं, और मैंने व्यूअर्स कई पेशेंट को देखे, कई स्टूडेंट्स को देखे देखा है, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो पहली मेडिसिन जो है वो नेट्रम म्यूरेटिकम 200 है। नेट्रम म्यूरेटिकम 200 दो या तीन कतरे आपने शाम के वक़्त कुछ पानी के अंदर डाल के उसको रोज़ाना लेना है। और सेकंड जो मेडिसिन है वो है कल्केरिया फॉस 200। कल्केरिया फॉस 200 के भी दो या तीन कतरे आपने कुछ पानी के अंदर डाल के, दो या तीन चम्मच पानी के अंदर डाल के वो आपने सुबह के वक़्त इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स, 5 या 6 दिन के बाद ही आपकी सरदर्द जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और इवन ठीक हो जाएगी। लेकिन ये दोनों मेडिसिन व्यूअर्स मैं फिर कहूँगा कि ये पेन किलर नहीं है, ये आपकी सरदर्द की जो टेंडेंसी है वो ठीक कर देंगी, आपकी जो स्ट्रेस है उसका लेवल भी कम कर देंगी, और आपके मूड को भी बहुत अच्छा कर देंगी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।